बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पुदीने की गुटी थी, हाफ चम्मच मक्का, एक प्याज, टमाटर, पांच छह मिर्चें हरी, थोड़ी सी इमली। इसकी चटनी बनाओगे बहुत मज़े की बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दाल बनाने लगी हूँ, मूंगी मसरा की दाल। पाइया दाल पाइया, मूंगी की मसरा की दाल पाइया। एक प्याज छोटा सा, तीन लहसुन की पोथी, चार हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, ऐ तड़के वासे दो पोथियाँ अदरक, हरी मिर्च, हल्दी है एक चम्मच हल्दी का, डेढ़ चम्मच लाल मिर्च का, एक चम्मच सूखे धनिए का, एक चम्मच नमक का, और कनोल। कनोल तब पावांगी जब दाल पक जाएगी ना, उसको तड़का लगाऊंगी ना फिर दहाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल डालने लगी हूँ। नमक नहीं ना पाऊंगी, नमक ना मैं बाद चो डालांगी। उबाले आते ना सारा दाल बाहर पानी आता है दाल का, तो वह जो पक अद्धी पक जाएगी ना दाल, फिर मैं ना नमक डाल दा, थोड़ा सा घी डाल दूँ, एक चम्मच घी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म किया मैंने, थोड़ा सा मेथी दाना डालना। अब डालने लगी हूँ कलौंजी। अब डालने लगी हूँ आलू, चारी आलू बनाने लगी हूँ दाल के साथ, बहुत मज़े के लगते। इसमें प्याज भी डाल दो, हाफ नमक का चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पानी डालना, बहुत मज़े के बनते हैं। दाल के साथ खाओगे ना बड़ा मज़ा आता है। बहुत मजे के बने हैं, ना इसे हरी मिर्च पी ना प्याज पा वा कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अचार का मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, नमक बस। अब मैं डालने लगी हूँ कनोल। नमक मैंने डाल दिया था अभी, तो कनोल डाल दी मैंने, तो वो ना कनोल जरा थोड़ी सी पक देगी ना, और स्मेल जी खत्म हो जाएगी दाल से। लहसुन मैंने साबता डाला था, तो कच्चे की स्मेल नहीं आती, खुर जाता बिच ही लसन। अब थोड़ा सा पकेगा फिर तड़का लगावे। अब डालने लगे लसन, थोड़ी सी काली मिर्च डालने लगी, लसन का तड़का लगा, प्याज का ना तड़का लाओ ना मिट्टी दाल बन गई। Yeah.